लोग कह रहे हैं कि शोहरत पाकर रानू मंडल में अहंकार आ गया और उनका अहंकार ही उसे ले डूबा। मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन बस यही कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। बॉलीवुड वाले अक्सर वायरल हुए लोगों को यूज एंड थ्रो करते हैं। ऋचक पूजा जब वायरल हुई उसको बिग बॉस वालों ने बुला लिया। उसके बाद वह सेलिब्रिटी बॉक्सर क्रिकेट लिंग में नजर आई, लेकिन आज पूजा कहीं टीवी पर नजर नहीं आती। हालांकि पूजा बहुत टैलेंटेड सिंगर नहीं है। दीपक कलाल की वीडियो पर जब वायरल हुए तो इंडियाज गॉट टैलेंट वालों ने उनको ऑडिशन के लिए बुलाया। वो खुद चलकर ऑडिशन के लिए नहीं गया था। वो वीडियो आपने देखा ही होगा, 100-200 आरस ज़्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे, उनको रोडीज वालों ने ऑडिशन के लिए बुलाया। रानू मंडल का वीडियो जो वायरल हुआ उसका पूरा फायदा हिमेश रेशमिया ने उठाया। पहले सॉन्ग का टीजर रिलीज किया जिसमें रानू मंडल नजर आई, फिर पूरा गाना उसके साथ गेट हुई वीडियो रिलीज किया। उसके बाद जाकर म्यूजिक वीडियो आया जिसमें फिल्म की हीरोइन भी नजर आई। हिमेश ने रानू मंडल को अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। इस फिल्म का गाना हिट हुआ, लेकिन शायद ही आपको उस फिल्म का नाम याद होगा। रानू मंडल को कुछ सोच भी मिले, अचानक से कुछ वीडियो आना शुरू हो गए जिसमें रानू मंडल का अहंकार नजर आता है। यार मुझे ये बताओ, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल रोड पर गुजारे हों और भीख मांगकर खाया हो और अचानक से चारों तरफ मीडिया के कैमरे घेर लें और माइक उसके मुंह में ठूस कर उससे पूछें आपको कैसा लग रहा है, और लगभग दिन में कम से कम 100 लोग यही घिसा पिटा सवाल पूछें, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? आपका क्या रिएक्शन होगा? शायद आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल भी कर लें, क्योंकि आपने अपने मोबाइल फोन्स पर कई वीडियोस देखे हैं और आप पपराजी कल्चर से वाकिफ भी हैं। लेकिन रानू मंडल तो डेफिनेटली इस पपराजी कल्चर के बारे में भी नहीं जानती होगी। और हमारी औकात दिखने में लोगों को बड़ा मजा आता है। रानू मंडल को बड़ा अहंकार आ गया था, आखिर लोगों ने उसको उसकी औकात दिखा दी, अब कहीं भीख मांगनी पड़ी होगी। वैसे तो सलमान खान में भी बड़ा एटीट्यूड बोला या अहंकार बोला है, उनकी औकात क्यों नहीं दिखा पाए? लोग आज भी वो सुपरस्टार हैं, फ्लॉप फिल्में 100 करोड़ क्रॉस करती हैं। हम कोई नहीं होते किसी का कैरियर बनाने वाले या बिगाड़ने वाले।